भाई मेरे। ये दोस्तों हम यहां पे बनी रैपिड बन रैपिड बन चुके हैं। ये है दोस्तों, चढ़ाई स्टार्ट कर दी हमने। दोस्तों आगे निकल करते हैं। ये दोस्तों हम 5:05 सुबह पहुंच गए हैं। ये बस ये रिजर्वेशन के एंड ये रुद्र लेके आए हमारे को चाय पीने के लिए। कल जब हम वैष्णो आए थे तो सबसे पहले हमने यहीं चाय पी थी, तो रुद्र को यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी है और हम रुद्र हमारे को दोबारा लेके आए हैं चाय पीने। दोस्तों रिजर्वेशन करा ली हमने टिकट की और वो भी फिर वेटिंग में फंस गए हैं और अब हम मार्केट घूम रहे हैं ये वैष्णो देवी की। देखिए दिख रहा है कुछ? हाँ एक मिनट दोस्तों, मौसम फिर खराब हो गए यहाँ पर, बारिश हो गई स्टार्ट मौसम जगहों पर। ये दोस्तों रुद्र एक नई चीज लाया है खाने के लिए। नहीं रुद्र नहीं लेके आया, मैं लेके आया हूँ। तो रुद्र को कुछ हम कुछ नई चीज ट्राई कराएंगे। दांत निकल गया इसका वैष्णो देवी में, तो हम कुछ ना कुछ जम्मू को भी देके जाएंगे। रुद्र जी अपना दांत जम्मू को देके जाएंगे। हमारा शेर पान खाने वाला है, देखते हैं कैसे खाएगा पान। अब ये कैसे खाते हो शेर? सूंघते नहीं से, कर अंदर कर। ये पान तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब आप बताओ कैसा लग रहा है पान? मम्मा जी आप पत्ता पत्ता खा रहे हैं। मुंह के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कैसा है। रुद्र को पान तो पसंद आया नहीं है, तो पान आए बहुत अच्छा था। हेलो दोस्तों ये हो गया शाम का चाय पीने का टाइम, बट रुद्र ने खाना है स्नैक्स, तो हम आ गए हैं मार्केट में वैष्णो देवी वाली। और रुद्र खा रहा है, अभी कॉम्बो लिया हमने, वो भी दिखाएंगे क्या लिया है। और ये मोटा बैठा है हमारा। रुद्र का ऑर्डर हो गया रेडी, तो चलते हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए। अच्छा लगा? वैष्णो देवी अगर आप आए तो ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हो आप 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक दिलाते हो छोटी, और 20 रुपये का हवा का पैकेट जो कि लेज है, 40-50 रुपये में आपका बच्चे का पेट भी नहीं भरता और वो वेस्ट है। इससे अच्छा आप यहाँ का बिल्कुल सिंपल एक कॉम्बो है जो भी हमने लिया था ट्रिप 100 रुपीज़ में, उसमें बच्चे का पेट भी भरता है और मॉकटेल था बहुत ही अच्छा। शॉप का नाम और बहुत ही हाइजेनिक है, साफ सुथरा है सब कुछ अंदर यहाँ पर। ये भैया मिलेंगे आपको यहाँ पर और ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारा है इनका, आप फर्स्ट फ्लोर पे भी ले सकते हैं सीटिंग। देखिए इनकी लाल जी वैष्णो देवी में न्यूट्री कुलचा वाले। तो रुद्र ने मुझे बहुत ही अच्छी जगह दिखाई है वैष्णो देवी में, बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ एक पार्क है छोटा सा देवी पार्क, तो अगर आप वैष्णो देवी की भीड़ भाड़ में थक चुके हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने को 5-10 मिनट का टाइम आराम से बिताइए, यहाँ पर स्पेंड कीजिए, बहुत ही शांति है यहाँ पर और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं पार्क दिखाता हूँ आपको, ये है देवी पार्क, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं कुछ पल भीड़ भाड़ से दूर हो के। और ये है जो ऊपर दरबार सांझी छत अर्धकुंवारी जिसे बोलते हैं,
दोस्तों हमने वैष्णो माता के चरणों में हाजिरी लगा ली है और हमारा टाइम भी हो गया है, एक दिन एक्स्ट्रा हम घूम भी लिए वैष्णो देवी में कटरा बाजार में रुद्र के कहने पे। और अब और कल हम जा रहे हैं, तो इसके लिए अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं दोबारा से, ताकि कोई भी सामान हमारा जो पुराना सामान है जो हमने ज़्यादा यूज़ किया उसको नीचे कर रहे हैं, एक बार रीपैक कर रहे हैं दोबारा अपने सामानों को वापस ले जाने के लिए। हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे 2:20 रात को, क्योंकि ट्रेन जो हमारी बुक हुई है वो हुई है 4:30 की, 4:30 PM, और ये पहुँचाएगी हमारे को 2:20 पे सुबह। CPSLR पैकिंग करती हूँ दोबारा से, और ये पेंटिंग है मेरा शेर, वो पता लग गया से, और ये जो हमने बाणगंगा में नहाए थे कपड़े गीले ऊपरी सुखा दिए हमने यहाँ पे, ये होता है इंडियन जुगाड़। और कल पूरी रात बारिश हुई है, हमारे चढ़ाई स्टार्ट करने से एंड तक जब तक हम उतरे नहीं बारिश होती रही है यहाँ पर। चलो जी, जय माता की, मिलते हैं कल ट्रेन के सफर में। चढ़ाई के बाद पैरों को मसाज कराते हैं मोटे, जरूरी है। नौ लड़की को देना, एक लड़के को देना, आ रही है। चलो भाई पियो पियो। तैयार हो गया हमारे लिए नान और बटर नान और तंदूरी रोटी विद मक्खन, जीरा राइस, पापड़, रायता, दाल मखनी, शाही पनीर। ये रुद्र जी ने मिल्क पी लिया तो इतना पेट भर गया। तो हमने डिनर कर लिया है ये राजस्थान के सैनी ढाबा पर, खाना बहुत ही बढ़िया था इनका। हमने लिया था, क्या लिया थे, स्पेशल प्लेट जिसमें एक नान, दो बटर नान, एक बटर नान, दो बटर रोटी, शाही पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस मिले हमारे को। अगर आप आए तो आइए और यहाँ पर खाइए, बहुत टेस्टी फूड है यहाँ का। और उधर ने कुछ नहीं खाया, दांत टूट गया इसका, प्लेट भरा होता उसका। दोस्तों हमारा वैष्णो देवी का सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, मॉर्निंग हो चुकी है, हम सब नहा धो के तैयार हो गए। कल सुबह हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का भी जो हम सुन रहे हैं वहां पर बहुत बारिश हो रही है, रेगुलर 3 दिन से बारिश ही हो रही है वहां पर, चार दिन से। और हमने पैकिंग कर ली अपनी, और सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा आएंगे अपने होटल, अपना सामान चेकेंगे और चेकआउट करेंगे, और फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों 12 बज गए हैं, अब हम होटल को कर रहे हैं चेकआउट, और उधर की कॉम चल रही है हमारे पीछे, कॉम करा रहा है, और ये मम्मी जी उसकी कॉम करते हुए, और अब हम करेंगे वैष्णो देवी को बाय बाय। माता रानी अगर चाहेगी तो आगे हमें बुलाएगी, बाकी जय माता की। अब हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए रेलवे स्टेशन। हमारे तरफ से एक बारी कर सकते हो माता रानी को जय माता की, ये है अर्धकुंवारी। ये दोस्तों वापसी का सफर स्टार्ट हो गया हमारा, वापसी का चंडीगढ़ के लिए। तो हम ऑटो ले चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ जाकर देखते हैं कि हमारे रिजर्वेशन कंफर्म हुई है कि नहीं हुई टिकटों की। तो बाय बाय वैष्णो देवी, कटरा का मार्केट दिखाते हैं थोड़े से आपको। यहाँ से स्लीपर बनती है वैष्णो देवी माता के लिए, और ये मेन मार्केट है, ये वैष्णो देवी माता की मेन मार्केट जहाँ से आप सामान खरीदते हैं नॉर्मली लोग। और ये रास्ता जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ। वैष्णो ढाबा है।
रेलवे स्टेशन के। पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन कटरा के। ये हमारे प्लेयर खुश हैप्पी जर्नी चंडीगढ़ की वापसी। बट चंडीगढ़ में हालात थोड़े सही नहीं लग रहे हैं बारिश के कारण। बाढ़ आई हुई है और मगरमच्छ आ गया खरड़ में। तो दिखाते हैं आपको रेलवे स्टेशन और हमारा रुद्र। ये वैष्णो देवी के पहाड़। ये जाता हुआ हेलीकॉप्टर। दोस्तों जब आप वैष्णो देवी आते हैं तो आपको सबसे जरूरी है कि आप ट्रेन की रिजर्वेशन करा लीजिए वापसी की। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती है। रिजर्वेशन कराने के लिए अलग सा ऑफिस है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर जाने का रास्ता है जो उधर से आप जाएंगे तो आपको ये जो बसेस दिख रही हैं ये बस स्टैंड है साथ में रेलवे स्टेशन के एडजॉइनिंग में। इससे जब बाहर निकलेंगे तो इनका रेलवे आरक्षण रिजर्वेशन की ऑफिस है, वहाँ से आप आराम से टिकट बुक कराइए और वापसी में आपको टिकट की कोई टेंशन नहीं होगी कि अब आपने टिकट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आपको दो दिन ऑलमोस्ट लगते हैं, दो दिन में आपकी टिकट नॉर्मली आपको मिली जाती है यहाँ से। तो जय माता की। दिखाते हैं आपको इनका ऑफिस। तो है रेलवे स्टेशन और ये है रेलवे स्टेशन की बस की पार्किंग। और इस पार्किंग से बाहर निकलते ही आपको ये जो एक ऑफिस दिख रहा होगा बिल्कुल साथ में, ये वाला जो ऑफिस है ये है रिजर्वेशन, जहाँ से आप अपनी ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं। ये बाहर गेट है, गेट के साथ ही रिजर्वेशन वाले का ऑफिस है। दोस्तों हमारा जो नंबर है वो RAC में आ गया है, मतलब कि आधी सीट मिल गई है हमारे को कि अब हम बैठ के जा सकते हैं। बाकी प्रॉपर कंफर्म का भी पता करते हैं हुई है कि नहीं हुई है, बट RAC तो हो चुकी है तो अब चंडीगढ़ तो पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों हमारे को दो दिन पहले चंडीगढ़ जाना था बट वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसके वजह से हम ट्रेनें सारी कैंसिल हो गई और हम यहाँ ही जम्मू में रुकना पड़ा हमारे को। तो फाइनली आज ट्रेन आ रही है और हमारी जो टिकट है वो भी कंफर्म हो गई है। ये दो दिन जो हमने निकाले हमारे को पता है कैसे निकाले, बहुत परेशान हूँ हम। रीज़न था ये कि हमारी सबकी तबीयत ख़राब हो गई, यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो गई थी हमारे को, वॉमिटिंग आ रही थी, बिल्कुल परेशान था, कहीं हम बाहर नहीं निकले, तो बहुत परेशान हूँ हम इस दो दिन में। बट चलो एटलीस्ट हमारी टिकटें होगी फाइनल कंफर्म हो चुकी हैं, अब हम घर जाएंगे और वहाँ रह करके ट्रेन हमारी 4:30 की हेमकूट एक्सप्रेस। हाँ कैसे लग रहा भाई टिकट? इसको आलू के परोठे बहुत याद आ रहे हैं घर के, अपने घर के मलाई के साथ। बाहर का खाना खा खाते हैं, मिलते हैं चंडीगढ़ आ रहे हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन है 4:30 की, हम 12:30 के रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं वेटिंग, अब ये वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो बहुत परेशान हो गए, तो रुद्र का मन भी थोड़ा ख़राब हो गया, इसलिए हम बाहर आ गए हैं थोड़ी देर के लिए। मन ख़राब हो गया यहाँ फ्रेश हवा में, क्योंकि वहाँ इतनी देर दिनों से ट्रेन चल नहीं रही थी तो सारे जो भी पैसेंजर हैं वहाँ पर आ गए हैं, बहुत भीड़ हो चुकी है अब। और यहाँ पर वैष्णो देवी में मौसम भी थोड़ा ख़राब सा ही हो गया, बारिश आने की संभावना लग रही है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि ट्रेन आ जाए और हम अपने घर जाएं वापस। मौसम दिखाते हैं आपको यहाँ का वैष्णो देवी का। ये देखिए पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं, सारे बदल बदल आ गए हैं पहाड़ों पे। पहाड़ हैं यहीं पे आपको चढ़ाई चढ़नी होती है। और देखिए बारिश 12 जुलाई को भी है यहाँ पर और पूरा बादल पहाड़ों पर छाए हुए हैं पूरी तरीके से। तो जय माता की। दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो फाइनली अब हम जाएंगे घर। खुश है रुद्र? हाँ।
मोटिवेट करता हुई करती हुई ये मोटिवेट कर रही है। तो हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ये मेरा शेर ऊपर अब चंडीगढ़ पहुंचेंगे मजे से। और ये हाँ जी कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये ना फिर ठीक है, ऐसे गिरूंगा भी नहीं। अभी गिरेगा नहीं, मस्ती करता जाएगा। कैसे जब तक चंडीगढ़ नहीं पहुंचते। और ये मोटर और ये ट्रेन चलाते हैं, बाइक है, बाइक चला रहे हैं। ये रुद्र जी लगे हैं ट्रेन में मस्ती। पहले बीमार था रुद्र, अब ट्रेन में आती मस्ती शुरू होगी इसकी। तकी ट्रेन हमारी चल पड़ी है 4:40 पे। 10 मिनट लेट है ये ट्रेन, 10 मिनट लेट हो गई है और हम चल चुके हैं चंडीगढ़ की तरफ। और ये ट्रेन चल चुकी है, ये ट्रेन जा रही है। और ये वैली देखो, और वो वैष्णो देवी माता दरबार ऊपर। तो एक और ट्विस्ट आया इस जर्नी में हमारे साथ कि जो ट्रेन हमारे को घर तक पहुंचा रही थी वो लुधियाना में ही रुक गई है, कैंसिल हो गई आगे की ट्रेन। तो अब हम रात को 12 बजे लुधियाना पहुंचे हैं और ट्रेन ने हमारे को उतार दिया है और बोलता जाओ अपने हाल पे। तो मगर हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा घर यहाँ से पास है लुधियाना से चंडीगढ़। तो हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया है, अपने जीजा जी को, और निकल पड़ी गाड़ी हमारी भी वहाँ से। तो पहले हमने कॉल कर दी थी उन्हें 2 घंटे पठानकोट में जब थे हम, तो अब मे भी वो पहुंचने वाले हैं, 3-4 मिनट में पहुंचेंगे यहाँ पर और फिर हम जाएंगे अपने घर। टू चंडीगढ़, बहुत याद आ रही है चंडीगढ़ की, मिस यू चंडीगढ़। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर तो नहीं पहुंचे हैं बट अपनी गाड़ी में पहुंच गए अपने बंदों के बीच में। आराम से 1.5 घंटे तक हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं। दादी जी ये देखो जो जी है हमारे को लेने आए हैं। फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, थक चुके हैं बुरी तरीके से, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।